सो बच्चे न्यू डे न्यू चैप्टर, ठीक है, स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल्स, ठीक है। अब बच्चों स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन प्लांट्स हम लोग पढ़ ही चुके हैं, ठीक है। स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन प्लांट्स में हम लोगों ने क्या क्या देखा था बच्चों, कि प्लांट्स के पास काफी सारे टिश्यूज होते हैं, काफी सारे क्या होता है बच्चों, काफी सारे अलग अलग स्ट्रक्चर्स होते हैं, प्लांट का मॉर्फोलॉजी अलग से होता है, प्लांट का एनाटॉमी अलग से होता है। तो स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन वर्ड का मतलब क्या हुआ कि बच्चों इनके बॉडी में क्या क्या टिश्यूज है, कहाँ कहाँ प्रेजेंट है, क्या क्या अरेंजमेंट है, वो सब अपन लोगों ने प्लांट्स के बारे में देखा। और जो प्लांट्स को अपन लोगों ने उसको प्यार से दो हिस्सों में तोड़ा, अपन ने मॉर्फो अलग पढ़ा और बच्चों एनाट अलग पढ़ा, वो भी बच्चों हायर प्लांट्स का। अब बच्चों एनिमल्स में ये जनरलाइजेशन करना हमारे लिए थोड़ा सा मुश्किल जाएगा, क्योंकि बच्चों एनिमल्स कितने प्रकार के, थोड़े दिन पहले देखा अपन लोगों ने, जस्ट थोड़े दिन पहले देखा, इतने सारे प्रकार को अपन लोग एक ग्रुप में जनरलाइज करके नहीं पढ़ सकते बच्चों। सबका मॉर्फोलॉजी अलग रहता है, सबका एनाटॉमी थोड़ा बहुत अलग रहता है। तो बच्चों लेकिन ये जो एनिमल्स है अपने, ये जो सारे एनिमल्स है, चाहे वो एक पॉरिफेरेंस ले लो, चाहे एक निडेरियंस ले लो बच्चों, ये लोग कुछ सिमिलर टाइप ऑफ सेल्स और टिश्यूज से बनते हैं, जिसके बारे में अपन लोग जानने की कोशिश कर रहे हैं बच्चों, स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन एनिमल्स, ठीक है। अब बच्चों होता क्या है, ये एनिमल्स चार मेजर टिश्यूज से बने रहते हैं। कितने मेजर टिश्यूज से बने रहते हैं? दे आर मेड अप ऑफ फोर मेजर टिश्यूज, ठीक है। सो मोस्ट हायर एनिमल्स आर मेड अप ऑफ फोर मेजर टिश्यूज, ठीक है, चार मेजर टिश्यूज से बने, ठीक है। दे आर मेड अप ऑफ फोर मेजर टिश्यूज, दैट इज बच्चो एपिथेलियल टिश्यू। नेक्स्ट आता है बच्चों एपिथेलियल टिश्यू के बाद क्या आता है बच्चों, कनेक्टिव टिश्यू। उसके बाद क्या आता है बताइए तो जरा बरा, उसके बाद आता है बच्चों मस्क्यूलर टिश्यू, और उसके बाद क्या आता है बच्चों, नर्वस टिश्यू आता है, ठीक है। अब बच्चों बिकॉज बच्चों अपने एनिमल्स के कॉम्प्लेक्सिटी और अपने डेवलपमेंट को मद्देनजर रखते हुए अपन लोग ये टिश्यूज का ओरिजिन भी ट्रेस कर सकते हैं, ठीक है। अब बच्चों हायर एनिमल्स बोलते ही अपने दिमाग में जो एनिमल्स के बारे में विचार आता है, जो एनिमल्स के बारे में अपन लोग सोचते हैं यूजुअली, दैट इज द ट्रिप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनिजम्स। किसके बारे में सोचते हैं बच्चों? जनरली अपना दिमाग किसके ओर जाता है, अपने को ट्रिप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनिजम्स की ओर जाता है। बच्चों ट्रिप्लोब्लास्टिक का जो जब एवोल्यूशन स्टार्ट हुआ था, व्हेन ट्रिप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनिज्म स्टार्टेड टू इवॉल्व, वो लोग ने हायर लेवल ऑफ कॉम्प्लेक्सिटी नेचुरली दिखाना चालू किया था बच्चों, ठीक है। क्योंकि ट्रिप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनिज्म के पास फायदा क्या था बच्चों, कि उनके ऑर्गन्स और उनके टिश्यूज वेर बेटर अरेंज्ड, एंड उनमें अपने को बेटर स्ट्रक्चर्स नजर आने लगे बच्चों, व्हेन कंपेयर्ड टू द लोअर डिप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनिज्म। डिप्लोब्लास्टिक इज लाइक द सिंपलेस्ट ऑर्गेनिज्म बच्चों। देखो बच्चों दो दो चीजें होती है ना, एक होता है बेयर मिनिमम करना, और एक होता है बच्चों एक्चुअली किसी चीज को अटेम्प्ट करके अच्छे से करना, बराबर। जैसे कि मैंने बोला कि बच्चों एक एक मेरे को ये क्वेश्चंस है, ये तुम्हारे होमवर्क के क्वेश्चंस है, इसको सॉल्व करके लाओ बच्चों। बेयर मिनिमम का मतलब क्या बच्चों, कि जो सवाल पूछा है उसका एग्जैक्टली ऐसा जवाब देके हुए आना, ठीक है बच्चों। और फिर तुम लोग एक्स्ट्रा एफर्ट लेना चाहते हो तो क्या होगा, कि जो सवाल पूछा उसके बारे में पहले पढ़ के देखना, उसके कंसेप्चुअल सेंस देखना, उसका जवाब देना, और उसके ऊपर और दो डाउट बिल्ड करके लाना, सर मैंने जवाब तो दिया लेकिन ये मेरे को नहीं समझ में आया, वो हो जाएगा बच्चों थोड़ा एक्स्ट्रा का टाइम। बच्चों डिप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनिज्म बेयर मिनिमम, कि मतलब लिविंग ऑर्गेनिज्म को लिविंग बनाने के लिए, एनिमल को लिविंग बनाने के लिए जो जो चीजें नेसेसरी है ना, वो लिटरली वो बेयर मिनिमम चीजें प्रेजेंट है निडेरियंस के पास, निडेरियंस और पॉरिफेरेंस के पास, ठीक है बच्चों। देखो बायोलॉजी है ये, तो ऐसा नहीं बोल रहा हूं कि ये लोग बेकार है करके, चिड़ा नहीं रहा बच्चों निडेरियंस को, याद रखना कि ये कैसे फालतू से है, ऐसा नहीं बोल रहा बच्चों, ठीक। मैं बस बोल रहा हूँ कि इनके पास बेयर मिनिमम चीजें हैं, दी सिंपलेस्ट चीजें जो उनको लिविंग चीज मतलब लिविंग बना के रख सकता है ना, वो सारी चीजें। अपन ऐसे नहीं है बच्चों, ठीक है। तुम्हें खुद को कंपेयर करके देखो, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन यू एंड अमीबा? नॉट अ लॉट। तुम भी लिविंग हो, वो भी लिविंग है, लेकिन बच्चों देखो अपन लोग कितना अदरक लहसुन करके लिविंग रहते हैं। एक हार्ट रखा है, एक किडनी रखा है, एक लंग्स रखा है,
साला इनमें से एक बंद हुआ तो सब गया अपना, लिविंग गया पूरा, ठीक है, लिविंग विंग भूल जाओ बच्चों। अमीबा एक ही सेल है उसमें जीवित रह जाता है, दोनों दोनों बच्चों देखो ऑर्गेनिज्म के पास ऑप्शन था, तुम या फिर सिंपल रहो और लिविंग रहो, तुम्हारा सर्वाइवल का गारंटी ज्यादा नहीं रहेगा एंड नेचर चेंज हुआ तो तुम भी गए। अपने पास क्या है बच्चों कि अपने पास काफी सारे सिस्टम है जो चेंजिंग नेचर में भी अपने को कहीं ना कहीं सर्वाइव करवा सकता है, लेकिन प्रॉब्लम है कि अंदर थोड़ा भी गड़बड़ हुआ तो सारी चीजें इंटरकनेक्टेड है, ठीक है, सारी चीजें क्या है बच्चों इंटरकनेक्टेड है। तो ये कॉम्प्लेक्सिटी के कारण ना बच्चों, अगर तुम लोग को टिश्यूज पढ़ना है तो तुम लोग को उसका ओरिजिन भी पता रहना चाहिए, वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट। अब बच्चों अगर अपन लोग अपने बॉडी को एक बड़ा सा सिलेंडर मान ले, ठीक है, क्या मान लेते हैं बच्चों, एक बड़ा सा सिलेंडर, खोखला सिलेंडर मान लेते हैं बच्चों, योर बॉडी इज दिस खोखला सिलेंडर, ठीक है, एक नया गाली मिल गया मुझे तुम्हारे लिए, ठीक है, तुम लोग एक खोखला सिलेंडर हो बच्चों, ठीक है, क्या हो बच्चों, तुम लोग एक खोखला सिलेंडर हो, बराबर। अब बच्चों तुम्हारा सिलेंडर के अंदर जो बच्चे ये जो ये है क्या बोलते हैं, जो गैप छूटा है बच्चों, ठीक है, जो अपन लोगों ने ये पाथ अपन लोगों ने कट किया है बच्चों अंदर की तरफ, ठीक है, जो पाथ अंदर ये जो खोखला ये कट किया अपन लोगों ने, ये तुम्हारा डाइजेस्टिव सिस्टम है बच्चों, एलिमेंट्री कनाल है, ठीक है। अब बच्चों देखो तुम्हारा जो आउटर मोस्ट कवरिंग है ना बच्चों, ये है एपिथेलियम, एपिथेलियम नहीं बच्चों सॉरी, ये है तुम्हारा एपिडर्मिस, ठीक है, ये है बच्चों एपिडर्मिस, ठीक है, और इसके अलावा तुम्हारा नर्वस सिस्टम बच्चों, ठीक है, सो एपिडर्मिस, तुम्हारे बॉडी का एपिडर्मिस दैट इज द आउटर मोस्ट कवरिंग एंड योर नर्वस सिस्टम इज डिराइव फ्रॉम दी आउटर मोस्ट जर्म लेयर कॉल्ड एज दी एक्टोडर्म। रिपीट करो बच्चों मेरे साथ, दी आउटर मोस्ट एपिडर्मिस, दी आउटर मोस्ट कवरिंग एंड योर नर्वस सिस्टम इज डिराइव फ्रॉम दी आउटर मोस्ट जर्म लेयर दैट इज कॉल्ड एज दी, क्या बुलाएंगे बच्चों, क्या बुलाएंगे, एक्टोडर्म बुलाएंगे, क्या बुलाएंगे बच्चों अपन लोग इसको, एक्टोडर्म बुलाएंगे, ठीक है। तो ये हो गया है बच्चों तुम्हारा एपिडर्मिस, ठीक है, प्लस नर्वस सिस्टम किससे ओरिजिनेट हुए बच्चों, ये ओरिजिनेट हुए है फ्रॉम एक्टोडर्म से, ओरिजिनेट हुए बच्चों किससे ओरिजिनेट हुए, एक्टोडर्म से। अब बच्चों यहाँ पे काफी सारी चीजें रहेंगे, ठीक है, तुम्हारे बॉडी में काफी सारी चीजें हैं, लाइक कनेक्टिव टिश्यू है बच्चों, ये है तुम्हारा कनेक्टिव टिश्यू सपोज, ठीक है, दिस इज योर कनेक्टिव टिश्यू, ठीक है, ये क्या हो गया बच्चों, ये कनेक्टिव टिश्यू हो गया है, ठीक है, वाओ वेरी नाइस कनेक्टिव टिश्यू। कनेक्टिव टिश्यू के एग्जांपल्स क्या रहेंगे बच्चों, चैट बॉक्स में लिख के भेजिए, तो थोड़ा व्हाट आर द एग्जांपल्स ऑफ द कनेक्टिव टिश्यू भेजिए बच्चों चैट बॉक्स में, लेट मी सी क्या क्या भेजा है तुम लोगों ने, तब तक मैं पानी भेज लेता हूँ। करेक्ट, उत्कर्ष ने क्या बोला है सर, एडिपोज टिश्यू, बिल्कुल करेक्ट है बेटा, एडिपोज का एक एक भाई भी है बच्चों, एरियोलर बुलाते हैं वो भी है बच्चों, तुम्हारा बोन एक कनेक्टिव टिश्यू है वो भी है, करेक्ट, ठीक है, उसके बाद और कुछ आ रहा है क्या दिमाग में, बोन के अलावा ब्लड भी, करेक्ट है बेटा आदित्य, एब्सोल्युटली करेक्ट, ब्लड इज ऑल्सो कनेक्टिव टिश्यू, आयुषी कार्टिलेज इज ऑल्सो कनेक्टिव टिश्यू, वेरी गुड बच्चों, वेरी गुड, करेक्ट, एब्सोल्युटली करेक्ट। सो जो सारे कनेक्टिव टिश्यू होते हैं बच्चों, कनेक्टिव टिश्यू, ठीक है, कनेक्टिव टिश्यू, और बच्चों यहां पे क्या है, यहां पे तुम्हारे और एक भी तरीके के टिश्यू है जो तुम्हें मूव वगैरह करने में मदद करते हैं बच्चों, ठीक है, दे हेल्प इन योर मूवमेंट लोकोमोशन, जो कि बच्चों तुम्हारे मस्कल्स, क्या है बच्चों तुम्हारे मस्कल्स, कार्टिलेज भी कनेक्टिव टिश्यू है बेटा आस्था, करेक्ट, ठीक है, कार्टिलेज इज ऑल्सो अ कनेक्टिव टिश्यू, ठीक है, कार्टिलेज, टेंडेंस, लिगामेंट्स, बोन्स, सारे कनेक्टिव टिश्यू, ठीक
ठीक है, सारे ही कनेक्टिव टिश्यू है। तो बच्चों ये जो तुम्हारे मसल्स है ना, यहाँ पे मसल्स, चाहे वो स्मूथ मसल, स्ट्राइटेड मसल, कार्डियक मसल, कुछ भी हो, ये मस्कुलर टिश्यू और ये कनेक्टिव टिश्यू का जो ओरिजिन है बच्चों, वो है तुम्हारा मीजोडर्म। क्या है बच्चों ओरिजिनेशन इनका? मीजोडर्म का ओरिजिनेशन है। क्या है बच्चों ओरिजिनेशन इनका? क्या है? मीजोडर्म का ओरिजिनेशन है, ठीक है। और बच्चों यहां पे जनित में जारी, नहीं ठीक है, एंड में बताऊंगा जनित में जारी। अब बच्चों ये तुम्हारे डाइजेस्टिव सिस्टम का सबसे अंदर का लाइनिंग है, इनर मोस्ट वॉल ऑफ योर डाइजेस्टिव सिस्टम। क्या है बच्चों? इनर मोस्ट वॉल ऑफ योर डाइजेस्टिव सिस्टम, या ब्लड वेसल वगैरह भी ले सकते हो बच्चों, इनर मोस्ट वॉल ऑफ द ब्लड वेसल, या कैविटीज भी ले सकते हो बच्चों। इनका जो इनर मोस्ट वॉल है, दैट इज मेड अप ऑफ अ लेयर ऑफ टिश्यूज विच इज कॉल्ड एज दी एंडोथीलियम। याद रखिएगा बच्चों, एंडोथीलियम भी एक टाइप ऑफ एपिथेलियल टिश्यू ही है, और इसका ओरिजिन है बच्चों एंडोडर्म, ठीक है। नाउ जनित में जारी, जनित में जारी ये है बच्चों एपिथेलियल टिश्यू हैव ऑल थ्री ओरिजिन्स, ऑल थ्री ओरिजिन्स, दैट इज एक्टोडर्म, मीजोडर्म एंड एंडोडर्म। तीनों है बच्चों इनके पास, ऑल थ्री। अर्थात बच्चों ये तीनों जर्म लेयर से तुम्हारे क्या आ सकते हैं बच्चों? तुम्हारे एपिथेलियल टिश्यू ये तीनों से आ सकते हैं, ठीक है। जबकि बच्चों कनेक्टिव टिश्यू और मस्कुलर टिश्यू सिर्फ मीजोडर्म से आते हैं, और एंडोथीलियम दैट इज द इनर मोस्ट, ये वो एंडोडर्म से आता है, ठीक है। अर्थात बच्चों एंडोडर्म सिर्फ और सिर्फ ये अंदर के एपिथेलियल टिश्यूज को जन्म देता है, मीजोडर्म कनेक्टिव टिश्यू और मस्कुलर टिश्यू दोनों को जन्म देता है, एक्टोडर्म नर्वस टिश्यू और एपिडर्मिस को जन्म देता है, ठीक है, एपिडर्मिस को जन्म देता है। तो ये हो गया बच्चों तुम्हारे जर्म लेयर के हिसाब से तुम्हारे अलग अलग टिश्यूज, ठीक है। तुम्हारे जर्म लेयर के हिसाब से क्या हो गया बच्चों? ये तुम्हारे अलग अलग टिश्यूज हो गए हैं, ठीक है। यहां तक समझ में आ रहा है बच्चों सब लोगों को? इज एवरी वन एबल टू अंडरस्टैंड टिल दिस पॉइंट? कोई डबट है बच्चों किसी को? एनी डबट्स, एनी डबट्स अप टिल दिस पॉइंट? बताइए बच्चों, क्लियर है? करेक्ट, करेक्ट, वेरी गुड, वेरी गुड, शाबाश बच्चों, वेरी गुड बच्चों। ओके, अब आगे बढ़ते हैं बच्चों अपन लोग, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। टू अंडरस्टैंड द स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल्स, अपने को ये देखना पड़ेगा कि एनिमल्स के पास कौन से अलग अलग टिश्यू रहते हैं, उनका क्लासिफिकेशन क्या है बच्चों, और उनके फर्दर टाइप्स क्या है। अब बच्चों देखो, मैं बहुत जान मतलब मैं अच्छे से रिलेट करता हूँ बच्चों तुम्हारे साथ, बहुत बिचारे हो तुम लोगों को बहुत कुछ याद रखना पड़ता है, ठीक है। फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी तीनों एक साथ पढ़ते हो, वाओ, ठीक है। तो आई नो बच्चों कि तुम लोगों को क्या बोलते हैं, बहुत कुछ याद रखना पड़ता है। तो बच्चों याद रखने में इजी क्या हो जाता है कि हर चीज को अपन लोग एक बार फ्लो चार्ट के तरीके से देख ले, फ्लो चार्ट या क्लासिफिकेशन टैब्स ऐसी चीजों से देख ले। इसलिए बच्चों एनिमल किंगडम में भी अपन ने पहले क्या किया था, वो सबसे बड़ा फ्लो चार्ट बना लेता कि क्या क्या है, देख लिया अपन लोग ने पहले, बराबर। तो अपन लोग यहाँ पे टिश्यूज में क्या क्या डील करने वाले हैं बच्चों? एनिमल टिश्यूज, एनिमल टिश्यूज एज सीन अबव, एनिमल टिश्यूज एज सीन अबव कैन बी डिवाइडेड इनटू फोर मेजर कैटेगरीज बच्चों, ठीक है। इसको चार मेजर कैटेगरीज में अपन लोगों ने डिवाइड किया था, ठीक है, चार मेजर कैटेगरीज में डिवाइड किया था। ये इक्वल नहीं है ना, ठीक है, अपन लोग लिनियस से डर लगता है बच्चों, लिनियस को ऐसा ऐसे सारी चीजों से फर्क पड़ता था, ठीक है। हाँ तो ये हो गया बच्चों अपन ने, ठीक है, एकदम एग्जैक्ट सेंटर में रख दिया, बराबर, ठीक है। तो एनिमल टिश्यूज को अपन लोग चार मेजर कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं। दी कैटेगरीज आर, नंबर 1, ठीक है, एपिथेलियल टिश्यूज, ठीक है। सेकंड है बच्चों
कनेक्टिव टिश्यूज, ठीक है, थर्ड है बच्चों मस्कुलर टिश्यूज, एकदम ऐसे फिल्म फेयर वाले में ऐसे कैटेगरीज अनाउंस करने समान लग रहा है, ठीक है, पहला कैटेगरी है एपिथेलियल टिश्यूज, दूसरा कनेक्टिव टिश्यू, तीसरा मस्कुलर टिश्यू, और चौथा क्या है बच्चों, नर्वस टिश्यू, ठीक है, नर्वस टिश्यू, ठीक है बच्चों, ये वो डरने वाला नर्वस नहीं है बच्चों, ये अपना नर्वस वाला नर्वस, ठीक है, क्या है बच्चों, ये नर्वस वाला नर्वस है, बराबर। एपिथेलियल टिश्यूज को बच्चों अपन लोग और दो कैटेगरीज में बांट सकते हैं, इट कैन बी फर्दर डिवाइडेड इंटू टू मोर कैटेगरीज। अब देखिए बच्चों, देखिए जो कैटेगरीज में बांट रहा हूं वो एनसीईआरटी के हिसाब से, ठीक है, किसके हिसाब से बच्चों, एनसीईआरटी के हिसाब से है, क्योंकि बच्चों इस दुनिया में एनसीईआरटी के अलावा अपना कोई है ही नहीं, ठीक है, अपना अगर अपन लोग किसी को बोल सकते हैं वो है बच्चों एनसीईआरटी, बराबर, उसके अलावा कोई और है नहीं, तो बच्चों जो अपन लोग बात मानेंगे वो एनसीईआरटी की ही मानेंगे ना, ठीक है, भले ही बच्चों एनसीईआरटी कैसा है, कैसा बच्चों, एनसीईआरटी इज लाइक दाल चावल बच्चों, ठीक है, दाल चावल, ठीक है, वैसे दाल चावल कैसा रहता है बच्चों की तुम लोग इजिली किसको भावुक बना सकते हो दाल चावल से, ठीक है, जैसे कि बच्चों दाल चावल इज वेरी सिंपल, जैसे कि अगर मैंने डब्बे में दाल चावल लाया तो तुम लोग चिड़ाओगे सर कैसे आपने दाल चावल लाया करके, ठीक है, लेकिन मैं तुरंत कैसे बच्चों पासा पलट सकता हूँ, मैं लूंगा कि ये दाल चावल मेरी मम्मी ने बनाया बहुत प्यार से, तो बच्चों गिल्ट फील कराया ना मैंने तुम लोगों को, ठीक, गिल्ट फील कराया ना मैंने तुम लोगों को चिड़ाने के लिए, तो बच्चों एनसीईआरटी इज लाइक दैट दाल चावल, वेरी सिंपल, लेकिन बच्चों उसके अंदर वो कुछ तो बात है बच्चों, ठीक, कुछ तो बात है जो मतलब एक सिंपल चीज को भी बच्चों एकदम बढ़िया बनाता है, बराबर। लेकिन बच्चों अगर तुम लोग बाकी के बुक्स देखोगे, जैसे कि देर आर अ लॉट ऑफ रेफरेंस बुक और मॉड्यूल्स और ऐसे सारी जो चीजें रहते हैं उसमें बच्चों थोड़ा सा एक्स्ट्रा ज्ञान का शो ऑफ रहता है, ठीक है, कि एपिथेलियल का ऐसा भी टिश्यू रहता है, पता है कि यहाँ पे ऐसा एपिथेलियल टिश्यू रहता है, और बच्चों एक्सेप्शन वगैरह देने में भी मजा आता है कि चमगादड़ में ऐसा एक एपिथेलियल है, वो चमगादड़ उल्टा है तो एपिथेलियल भी उल्टा है, ऐसा ऐसा कुछ कुछ तो एग्जाम्पल रहते हैं, बराबर बच्चों, वो सब के बारे में नीट में अपने को टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, ठीक है बच्चों, कम से कम कैटेगराइजेशन के लिए बच्चों तुम लोग को बाहर बिल्कुल, स्पेशली कनेक्टिव टिश्यू की बात कर रहा हूँ बच्चों मैं, कनेक्टिव टिश्यू में तुम लोग को काफी सारे अलग अलग कैटेगरीज मिलेंगे, जैसे कि बच्चों किसी किसी में स्पेशल कनेक्टिव टिश्यू के कैटेगरीज अलग रहते हैं, लेकिन अपन लोग किसको फॉलो कर रहे हैं बच्चों, एनसीईआरटी को फॉलो कर रहे हैं, किसको फॉलो कर रहे हैं बच्चों, अपन लोग एनसीईआरटी को फॉलो कर रहे हैं, सो एनसीईआरटी के हिसाब से बच्चों एपिथेलियल टिश्यू कैन बी डिवाइडेड इनटू टू मोर कैटेगरीज, पहले वाले का नाम है बच्चों सिंपल, और दूसरे वाले का नाम है बच्चों कंपाउंड। सिंपल बच्चों एक लेयर ऑफ सेल से बनता है, कंपाउंड एक से ज्यादा लेयर ऑफ सेल से बनता है। सिंपल होते हैं बच्चों तीन प्रकार के, स्क्वायमस, क्यूबॉइडल, कॉलमनार, ठीक है। कंपाउंड होते हैं बच्चों दो प्रकार के, जो कि एनसीईआरटी में बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं है, लेकिन फिर भी स्ट्रैटिफाइड, ठीक है, स्ट्रैटिफाइड और ट्रांजिशनल, ठीक है, ट्रांजिशनल, ठीक है, ट्रांजिशनल और स्ट्रैटिफाइड, ऐसे दो रहते हैं बच्चों, ठीक है बच्चों। स्ट्रैटिफाइड में और दो तरीके रहते हैं, कैरेटिनाइज्ड, नॉन कैरेटिनाइज्ड, वो सब अपने को टेंशन नहीं लेना, ठीक है, उसके बारे में टेंशन नहीं लेना बच्चों। इसके अलावा कुछ स्पेशल मेंशन इज द ग्लैंडुलर एपिथेलियम, ग्लैंडुलर एपिथेलियम, जिसके बारे में अपन लोग स्पेशली थोड़ा अलग से बात करने वाले हैं बच्चों। ग्लैंडुलर एपिथेलियम यूनिसेलुलर हो सकते हैं, सिंपल हो सकते हैं, कंपाउंड हो सकते, कंपाउंड नहीं होंगे बच्चों, यूजुअली सिंपल, सिंपल के कैटेगरी में ही जाता है ये, लेकिन बच्चों इनके पास एक स्पेशल फंक्शन रहता है, इसलिए अपन लोग इनके बारे में अलग सा पढ़ता है बच्चों, ठीक है, इनके बारे में अलग सा पढ़ता है। अब आते हैं बच्चों अपन लोग मेनली, देखो मेन क्लासिफिकेशन में हमेशा दिक्कत का जाता है बच्चों जब कंपाउंड एपिथेलियम, कनेक्टिव टिश्यूज आते हैं, सॉरी, ठीक है, जब कनेक्टिव टिश्यूज आते हैं ना बच्चों, तब अपने को सबसे ज्यादा दिक्कत जाता है। कनेक्टिव टिश्यू को बच्चों एनसीईआरटी के हिसाब से वी कैन, अच्छा इसको थोड़ा नीचे ला लेते हैं बच्चों, ताकि ये दोनों टकराए नहीं, थोड़ा नीचे आ जाइए भाई साहब, हाँ, तो इसको हम लोग ना बच्चों तीन कैटेगरीज में बांट सकते हैं, ठीक है। पहला है बच्चों लूज कनेक्टिव टिश्यू, लूज कनेक्टिव टिश्यू,
दूसरा है बच्चों डेंस कनेक्टिव टिश्यू, और तीसरा है बच्चों स्पेशल कनेक्टिव टिश्यू। स्पेशल कनेक्टिव टिश्यू, ठीक है, स्पेशल कनेक्टिव टिश्यू, ठीक है। अब बच्चों हमारे वक्त जब कोई सिलेबस नहीं था बच्चों, AIPMT में देयर इज वाज नथिंग कॉल्ड एज सिलेबस, ठीक है, उनको जो मर्जी है वो पूछ सकते थे बच्चों बायोलॉजी में, तब तो बच्चों आहा कनेक्टिव टिश्यू कोई दो दो हफ्ते लग जाते थे, ठीक है, क्योंकि बच्चों हड्डियां पढ़ाते पढ़ाते चार दिन गुजर जाता था बच्चों, ऐसे हड्डी में ये होता है वो होता है, ठीक है। आजकल उतना डिटेल नहीं रहा, अपने को सिर्फ और सिर्फ थोड़ा बहुत इसका क्या देखना है, क्रॉस सेक्शंस वगैरह को अपने को थोड़ा बहुत आइडेंटिफाई करना है, बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं जाना है बच्चों अपने को किसी के भी। स्पेशल कनेक्टिव टिश्यू तीन प्रकार के होते हैं बच्चों, ठीक है, तीन प्रकार के होते हैं, ओके, सो दैट इज ठीक है, कार्टिलेज, बोन और ब्लड। ब्लड के बारे में मैं ऑलरेडी पढ़ा चुका हूं बच्चों, ठीक है, ब्लड के बारे में ऑलरेडी पढ़ा चुका हूं, जिनको शॉर्ट टर्म मेमोरी लॉस है बच्चों सर्कुलेशन वाले चैप्टर में, ठीक है, RBC, WBC, प्लेटलेट, pH ऑफ ब्लड, ये ऑफ ब्लड, वो ऑफ ब्लड, सब अपन लोग देख चुके हैं, ठीक है। फिर आ जाते हैं बच्चों अपने नेक्स्ट ग्रुप ऑफ टिश्यूज में, दैट इज कॉल्ड एज द मस्क्यूलर टिश्यू। मस्क्यूलर टिश्यू आर ऑफ 3 मेजर टाइप्स, ठीक है, 3 मेजर टाइप्स। पहला है बच्चों नर्वस टिश्यू का सबसे जो पहला टाइप है, दैट इज कॉल्ड, सॉरी, मस्क्यूलर टिश्यू का जो सबसे पहला टाइप है, दैट इज कॉल्ड एज द स्ट्राइटेड मसल्स या फिर स्केलेटल मसल्स। ये नाम ज्यादा बेटर है बच्चों, क्योंकि यहां से तुम लोग को ध्यान में रहता है कि इसका लोकेशन क्या है। द लोकेशन ऑफ स्केलेटल मसल इज योर स्केलेटन के आसपास बच्चों, बोन के साथ एसोसिएटेड रहता है, ठीक है, दीज मसल्स आर एसोसिएटेड विद द बोन्स। फिर रहते हैं बच्चों तुम्हारे नॉन या स्मूथ मसल्स, नॉन स्ट्राइटेड, या हम लोग इसको बुलाएंगे बच्चों स्मूथ मसल्स। ये रहता है बच्चों तुम्हारे इनवॉलेंट्री ऑर्गन्स के लाइनिंग में, स्टमक, इंटेस्टाइन, ईसोफेगस, यूरिनरी ब्लैडर, ऐसे जगहों पे। लास्ट बट नॉट द लीस्ट रहता है बच्चों कार्डियक मसल। अब बेचारे बच्चे कार्डियक मसल को पहचान ही नहीं पाते कि अरे कहाँ पे है, मतलब बेचारे को पहचान ही नहीं पाते, ऐसा है क्या बच्चों? नहीं ना, पहचान लोगे ना, कार्डियक मतलब क्या हो गया बच्चों? दिल, ठीक है, क्या हो गया बच्चों? हार्ट, ठीक है, हार्ट, वेरी इंपॉर्टेंट थिंकिंग ऑर्गन, थिंकिंग ऑर्गन, पंपिंग ऑर्गन, क्या है बच्चों? ये पंपिंग ऑर्गन है, वेरी इंपॉर्टेंट पंपिंग ऑर्गन। नर्वस टिश्यू में तो बच्चों फिर से ग्रेट डिटेल में पढ़ाया बच्चों मैंने तुम लोग को, न्यूरोग्लियल सेल, एस्ट्रोसाइट्स, सब कुछ पढ़ाया है। तो बच्चों याद रखना कि ये अभी बचपन वाला, 9th स्टैंडर्ड वाला एनिमल टिश्यू नहीं है बच्चों, जहाँ पे नर्वस टिश्यू में तुमने न्यूरॉन बोल दिया तो तुम लोग, तुम्हें सही कहलाया जाएगा। नर्वस टिश्यू इज नॉट ओनली मेडअप ऑफ न्यूरॉन, इट इज मेडअप ऑफ अदर सेल्स ऑल्सो, एस्ट्रोसाइट्स, न्यूरोग्लियल सेल, श्वान सेल, ऑलिगोडेंड्राइट्स, ऐसे सारी चीजों से भी अपना नर्वस टिश्यू बना हुआ है बच्चों। सो दिस इज द बेसिक क्लासिफिकेशन ऑफ अवर एनिमल टिश्यूज, और अपने को इतने कैटेगरीज में इनके बारे में पढ़ना है बच्चों, ठीक है। ये समझ में आ गया बच्चों, कैटेगराइजेशन समझ में आ गया, कौन से टिश्यूज कहाँ कहाँ जाते हैं करके, ठीक है। एपिथेलियल टिश्यूज का मेजरली, एपी का मतलब क्या है बच्चों? अबव, तो ये लोग मेजरली क्या करते हैं बच्चों? सरफेसेस को कवर करते हैं, इनर या आउटर सरफेसेस को कवर करते हैं, लाइनिंग्स बनाते हैं, अंदर का लाइनिंग ऑफ एल्वियोलाई, अंदर का लाइनिंग ऑफ ब्लड वेसल्स, बाहर का लाइनिंग ऑफ स्ट्रक्चर्स, हर जगह पे प्रेजेंट रहते हैं बच्चों, ठीक है, हर जगह पे प्रेजेंट रहते हैं ये लोग, ओके। सो लेट अस टेक अ लुक, एक लाइन ड्रॉ कर देता हूं बच्चों, जी चलिए, तो शुभ शुरुआत करते बच्चों। सबसे पहला जो आ रहा है बच्चों यहां पे, दैट इज दी क्या आएगा बच्चों? एपिथेलियल के बारे में पढ़ेंगे, एपिथेलियल टिश्यू, एपिथेलियल टिश्यू, एपिथेलियल टिश्यू, ठीक है। अब देखो बच्चों एनिमल टिश्यूज के बारे में अपने को सब कुछ, जो बहुत कुछ पता लगा है,
that was because of the early works of scientists and क्या बोलते हैं physiologist और काफी सारे ऐसे जो जन थे, जैसे कि for example था बच्चों मैल्फी, जो मैल्फी जी नाम का एक scientist था, जिसका नाम मैंने animal tissues पढ़ाने से भी पहले लिया था, because he was father of anatomy बच्चों, ठीक है, father of anatomy, जिसने बच्चों ये सारे structures वगैरह में देखना उसने start किया था बच्चों, microscope के मदद से tissues का arrangement, cell का arrangement वगैरह देखना start किया था बच्चों. epithelial tissue is like a standout in these, ठीक है बच्चों. देखो टिश्यूज पढ़ते वक्त सिर्फ और सिर्फ वो कौन से सेल से बनते हैं ये जरूरी नहीं रहता, ये भी जरूरी रहता है कि वो सेल का अरेंजमेंट वगैरह कैसा है, ठीक है. अब बच्चों एपिथेलियल टिश्यू को पढ़ने से पहले ना बच्चों एक बहुत ही सिंपल येट बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल मैं ये पूछना चाहता हूँ, चैट बॉक्स में जरूर लिख के भेजिएगा बच्चों, टिश्यूज को डिफाइन कैसे करेंगे, हाउ विल यू डिफाइन टिश्यूज. भेजिए बच्चों, भेजिए भेजिए अपने अपने डेफिनेशन भेजिए, तब तक मैं फिर से थोड़ा पानी पी लेता हूँ. उत्कर्ष ने क्या भेजा है, अ ग्रुप ऑफ सेल्स परफॉर्मिंग द सेम टाइप ऑफ फंक्शन. तन्वी ने भेजा है अ ग्रुप ऑफ सेल परफॉर्मिंग अ पर्टिकुलर फंक्शन. उत्कर्ष ने ऐड किया है एंड ऑफ अ कॉमन ओरिजिन, इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है. और a group of cells which performs a similar function and a specific task in the body. बढ़िया बढ़िया बढ़िया, ठीक है बच्चों. तुम लोग ने एक बहुत ही कॉमन बचपन का मिस्टेक नहीं किया है, वेरी गुड, मतलब शाबाशी दे रहा हूं, ठीक है, शाबाशी दे रहा हूं मैं. तुमने एक कॉमन मिस्टेक नहीं किया है जहां पे तुम लोग ने फंक्शन के साथ स्ट्रक्चर नहीं ऐड किया है बच्चों, वेरी गुड. काफी सारे जन क्या बोल देते हैं कि उनका स्पेसिफिक मतलब उनका सेम फंक्शन और सेम स्ट्रक्चर होता है, स्ट्रक्चर सेम नहीं होता बच्चों. जो सेल्स रहते हैं उनका जरूरी नहीं है कि वो लोग सेम दिखे बच्चों. एक बात बताओ, सबसे बढ़िया एग्जांपल क्या दिमाग में आता है, ब्लड. ब्लड एक टिश्यू है, लेकिन बच्चों आरबीसी डब्ल्यूबीसी समान दिखता क्या, नहीं. डब्ल्यूबीसी में भी बच्चों लिम्फोसाइट मैक्रोफेज समान दिखता है क्या, नहीं. मैक्रोफेज न्यूट्रोफिल समान दिखता है क्या, नहीं. बराबर, प्लेटलेट और मैक्रोफेज साथ सेम दिखते हैं क्या, नहीं. ये अलग अलग दिखने वाले सेल्स है बच्चों, और इनका काइंड ऑफ फंक्शन भी अलग है, स्पेसिफिक फंक्शन भी अलग है. आरबीसी अलग काम कर रहा है, प्लेटलेट अलग काम कर रहा है, मैक्रोफेजेस अलग काम कर रहे हैं, लेकिन ये लोग मिलके क्या कर रहे हैं बच्चों, एक टास्क कर रहे हैं, दैट इज दे आर फॉर्मिंग द सर्कुलेटरी फ्लूइड ऑफ द बॉडी, ठीक है बच्चों. देखो, या फिर वो लोग एक स्पेसिफिक रोल निभा सकते हैं, या फिर एक स्पेसिफिक टास्क करके दे सकते हैं. उनका इंडिविजुअल फंक्शन सेम हो ऐसा बिल्कुल जरूरी नहीं है, ज्यादातर टाइम तो जरूरी कि ऐसा होता भी नहीं बच्चों. एपिथेलियल टिश्यू ही एक ही ऐसा टिश्यू है जहां पे ज्यादातर सेल्स सेम रहते हैं, बाकी सारे टिश्यूज में तो बच्चों काफी सारे अलग अलग सेल्स जो अलग अलग काम करते हैं मिलके वो स्ट्रक्चर वगैरह बनाते हैं, ठीक है. तो पहले अपन लोग यहाँ पे बच्चों साइड में टिश्यूज को भी डिफाइन कर लेंगे, तुम्हारा ही डेफिनेशन इस्तेमाल करूंगा बच्चों में, क्योंकि तुमने बिल्कुल सही लिखा है कि टिश्यूज आर अ ग्रुप of cells which have a common origin and together perform a specific function athwa task of the बॉडी, ठीक है. बॉडी का एक स्पेसिफिक टास्क क्या, बॉडी का एक स्पेसिफिक फंक्शन ये लोग साथ में मिलके करके देते हैं बच्चों, दैट इज कॉल्ड एज टिश्यू. इसको एक डब्बा भी दे दिया बच्चों मैंने यहाँ पे, ठीक है, एक डब्बा जहाँ पे ये है बच्चों डेफिनेशन ऑफ टिश्यूज, ठीक है. डेफिनेशन ऑफ टिश्यूज शुरू में लिख लेना, मेरे को पता है, ठीक है, मैं भूल गया था इसलिए मैंने यहाँ पे अलग से बनाया, ठीक है. तो बच्चे ये है अपना टिश्यूज का डब्बा जहाँ पे अपन ने क्या किया बच्चों, टिश्यूज को डिफाइन कर लिया. अब आ जाते हैं बच्चों एपिथेलियल टिश्यू में वापस. बच्चों एपिथेलियल टिश्यू जो है दैट इज डिराइव्ड फ्रॉम द ग्रीक वर्ड एपिथेलियम, ठीक है. कहां से डिराइव किया गया बच्चों, एपिथेलियम से डिराइव किया है बच्चों. एपी वर्ड का मतलब क्या है भेजिए तो जरा चैट बॉक्स में भेजिए बच्चों, चैट बॉक्स में व्हाट डू यू मीन बाय एपी,
व्हाट डू यू मीन बाय एपी भेजे बच्चों? अपॉन, करेक्ट बच्चों, ठीक है, करेक्ट, ठीक है. एपी वर्ड का मतलब क्या है बच्चों? एपी वर्ड का मतलब क्या है? अपॉन, ठीक है. एपी वर्ड का मतलब क्या है बच्चों? अपॉन. और थेलियम का मतलब क्या है बच्चों? सरफेस, ठीक है. सेलियम का मतलब क्या है? सरफेस, ठीक है. ओके, सो दी टर्म एपिथेलियम इज डिराइव्ड from the Greek roots meaning upon surface, ठीक है, upon surface, ठीक है, okay, ठीक है, upon surface, ठीक है. तो ये बच्चों basically क्या बोलता है बच्चों? ये बोलता है कि ऐसे कोई भी टिश्यू जो सरफेसेस के अबव प्रेजेंट है उसको हम लोग क्या बुलाएंगे बच्चों? एपिथेलियल टिश्यू बुलाएंगे. क्या बुलाएंगे बच्चों? अपन लोग उसको एपिथेलियल टिश्यू बुलाएंगे. एपिथेलियल टिश्यू ज्यादातर कवरिंग बनाते हैं बच्चों, ठीक है. एपिथेलियल टिश्यू जो है ये लोग कवरिंग बनाते हैं, ठीक है. सो दे फॉर्म द कवरिंग of the body, comma, organs, ठीक है, cavities, sinuses, etc. both internally and externally, ठीक है, इंटरनली एज वेल एज एक्सटर्नली, ठीक है, इंटरनली एज वेल एज एक्सटर्नली, अंदर से भी बच्चों और बाहर से भी, दोनों तरीके से, ठीक है. अब जैसे कि मैंने बोला बच्चों, एपिथेलियल टिश्यू दो प्रकार के होते हैं. नंबर वन जो प्रकार रहता है बच्चों, जो फर्स्ट प्रकार जिसके बारे में मैं बात करना चाहता हूं, ठीक है, दैट इज कॉल्ड एज द सिंपल एपिथेलियम बुलाते हैं बच्चों इसको. क्या बुलाएंगे बच्चों अपन लोग उसको? सिंपल एपिथेलियम. सिंपल एपिथेलियम बेचारा बहुत सिंपल सा होता है, ठीक है, बहुत ज्यादा फैंसी नहीं होता है बच्चों ये, ठीक है, बहुत सारे अलग अलग प्रकार वगैरह नहीं, ठीक है, ये एकदम बच्चों वो सिंपल स्टूडेंट्स है बच्चों, ठीक है, मेरे समान नहीं है, ठीक है. मैं अगर क्लास में आऊंगा तो मेरे पाउच में चार अलग अलग कलर के पेन रहेंगे, नहीं. आई एम कंपाउंड एपिथेलियम बच्चों. वो एक जन रहता ना, एक पाउच वाउच भी नहीं लाते, जेब में एक पेन, सिंपल एपिथेलियम, ठीक है, एक ही पेन, ठीक है, हेडिंग भी उसी से लिखना है, बाकी सब भी उसी से, सिंपल है बच्चों, एकदम सिंपल, ठीक है, अपना काम एकदम सिंपली एग्जीक्यूट करते हैं बच्चों. जिस रीजन के कारण बच्चों ऐसे टिश्यूज का स्पेसिफिसिटी बहुत हाई रहता है, ठीक है, ऐसे टिश्यूज का स्पेसिफिसिटी बहुत हाई रहता है, क्योंकि बच्चों लोग एक ही तरीके के सेल से बनते हैं, वो ऐसे मल्टीपर्पज नहीं होते बच्चों यूजुअली, ठीक है, दे हैव अ वेरी स्पेसिफिक फंक्शन इन अवर बॉडी. और बच्चों इसलिए देखना बच्चों कि ये जो सिंपल एपिथेलियम है, इनके सिंपल नेचर के कारण तुम्हारे पूरे बॉडी में नहीं यूज होंगे, वो लोग एक ही स्पेसिफिक जगह पे एक स्पेसिफिक फंक्शन कर पाएंगे. देखो बच्चों, जब तक तुम्हारे टिश्यू में वैरायटी नहीं है तब तक तुम लोग उसका काम नहीं बढ़ा सकते हो. जैसे बच्चों तुम्हारे पास बहुत सारे अलग अलग अगर सेल रहेगा तो वो बहुत कुछ काम कर पाएगा, ठीक है, बहुत सारे अलग अलग फंक्शन कर पाएगा, ठीक है, वो लोग मिलके ज्यादा जगह कवर कर पाएंगे. लेकिन बच्चों क्योंकि इनके पास एक ही तरीके का सेल है, वो लोग बहुत ज्यादा काम नहीं कर पा रहे बच्चों, वो लोग बहुत ही स्पेसिफिक जगह पे ही प्रेजेंट रहते हैं. इसके एग्जांपल तुम ही खुद ही रियलाइज करोगे. जैसे कि बच्चों चैट बॉक्स में लिखिए, मैं अगर स्क्वायमस एपिथेलियम बोलता हूं तो तुम लोग को क्या क्या याद आता है दिमाग में? इफ आई से स्क्वायमस एपिथेलियम क्या क्या दिमाग में याद आ रहा है? ह्यूमन फिजियोलॉजी पढ़ते वक्त क्या क्या दिमाग में याद आ रहा है बच्चों? सोचिए बच्चों, दिमाग पे जोर डाले. स्क्वायमस, पतले पतले एपिथेलियम, पतले पतले एपिथेलियम, पतले पतले एपिथेलियम, थिन एंड फ्लैट स्किन. बिल्कुल नहीं रे बेटा उत्कर्ष, नो 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 नो. हर्षदा कोई लोकेशन की बात कर रहा हूं, वेर डू यू थिंक कि स्क्वायमस ऐसे एक ही सेल, थिक पतले पतले सेल कहां पे प्रेजेंट रह सकते हैं बच्चों? कहां पे? बॉडी में. ब्लड कैपिलरीज, बिल्कुल करेक्ट बेटा आदित्य. एल्वियोलाई में प्रेजेंट रहेंगे, हेनलीस लूप में मिलते हैं बच्चों ये लोग, बराबर, हेनलीस लूप वगैरह में मिलते हैं, बराबर,
बच्चों बहुत ही स्पेसिफिक जगह है जहां पे गैसेस का एक्सचेंज होना चाहिए. तो सिंपल एपिथेलियम बच्चों क्योंकि एक ही टाइप ऑफ सेल से बनते हैं यूजुअली, दे हैव अ वेरी स्पेसिफिक लोकेशन इन अवर बॉडी जो कि अपन लोग आइडेंटिफाई कर सकते हैं. ठीक है, सो ये क्या होता है बच्चों, दीज आर द एपिथेलियम, दीज एपिथेलियल टिश्यूज आर मेड अप ऑफ अ सिंगल टाइप ऑफ सेल. ठीक है, आर मेड अप ऑफ अ सिंगल टाइप ऑफ सेल. ठीक है, एंड आर फर्दर डिवाइडेड इंटू थ्री मेजर टाइप्स. इनको फर्दर डिवाइड किया जाता है बच्चों थ्री मेजर टाइप्स में. पहले वाले का नाम है बच्चों स्क्वाइमस एपिथेलियम. पहले वाले का नाम क्या है बच्चों, स्क्वाइमस एपिथेलियम. दूसरे वाले का नाम है बच्चों क्यूबॉइडल एपिथेलियम. ठीक है, और तीसरे वाले का नाम है बच्चों कॉलमनार एपिथेलियम. तीसरे वाले का नाम क्या है बच्चों, कॉलमनार एपिथेलियम है. ठीक है, तो चलिए बच्चों इनके बारे में बात करते हैं. सबसे पहले किसको ले लेते हैं अपन लोग, स्क्वाइमस एपिथेलियम. बच्चों एकदम पटकन पटकन तुम लोग को डायग्राम से समझा रहा हूँ बच्चों, कुछ ना समझ में आया तो ऑब्वियसली बच्चों तुम लोग चैट बॉक्स में भेजना और मैं तुम लोगों को समझाने से बिल्कुल मना कर ऐसा बच्चों समझाऊंगा ना ऑब्वियसली. ठीक है, तो जो भी बच्चों तुम लोग को नहीं समझ में आया बिल्कुल चैट बॉक्स में भेज देना. ठीक है, अब देखो बच्चों एपिथेलियल थोड़ा सा नीचे खींच रहा हूँ बच्चों, सॉरी, ये एनसीईआरटी में है तो नहीं, लेकिन बच्चों ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो मैं तुम लोग को मेंशन करवाना चाहता हूँ कि एपिथेलियम को एपिथेलियम क्या बनाता है, व्हाट इज द कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ एपिथेलियम. ठीक है, सो फीचर्स ऑफ एपिथेलियल टिश्यू, फीचर्स ऑफ एपिथेलियल टिश्यू, अर्थात बच्चों हर एक चीज का, हर एक टिश्यू का एक कैरेक्टरिस्टिक फीचर रहता है. इसी के कारण अपन लोग उसको कैटेगराइज करते हैं. ठीक है, उसको अपन लोग क्या करते हैं, कैटेगराइज करते हैं. ठीक है, तो सबसे पहला क्या है बच्चों एपिथेलियल टिश्यू का सबसे पहला क्या फीचर है, दे हैव अ नॉन सेल्यूलर बेसमेंट मेम्ब्रेन. बच्चों हर एपिथेलियल टिश्यू के सेल एक चद्दर समान, एक शीट समान, एक लेयर के ऊपर चिपके हुए रहते हैं, जिसको अपन लोग बेसमेंट मेम्ब्रेन बुलाते हैं. ठीक है बच्चों, इसी रीजन के कारण दे आर द टिश्यूज विच बिहेव द मोस्ट लाइक अ टिश्यू. ठीक है, जैसे कि बच्चों अगर मैं तुम लोगों को टिश्यू इमेजिन करने बोलूं, मैं बोलूंगा बच्चों एक एनिमल का टिश्यू इमेजिन करो, तो बच्चों कहीं ना कहीं दिमाग में रहता है समथिंग विच हैज लाइक लेयर लाइक चीज. ठीक है, जिसको प्यार से तुम लोग माइक्रोस्कोप के नीचे रख के देख सको बच्चों, ऐसा प्यार से लेयर समान छिलने वाला एपिथेलियम ही है, क्योंकि उसके पास एक बेसमेंट मेम्ब्रेन रहता है. बच्चों कनेक्टिव वगैरह इतने प्यार से बाहर नहीं निकलने वाले बच्चों, मसल वसल ऐसे प्यार से बाहर ऐसे लेयर की तरह बाहर नहीं निकलने वाले बच्चों. मसल वसल जैसे निकालोगे तो बच्चों कैसे निकलेंगे, ऐसे फ्रैगमेंट फ्रैगमेंट में निकलेंगे बच्चों. ठीक है, लेकिन बच्चों अगर तुम लोग स्किन विन का लेयर कट करने की कोशिश करोगे तो प्रॉपर लेयर समान रहेंगे बच्चों ये लोग, दे विल बी लाइक प्रॉपर लेयर्स, बिकॉज उनके पास एक बेसमेंट मेम्ब्रेन है जिसके ऊपर सारे सेल लगे हुए हैं. कैसे, क्या है बच्चों, उनके पास एक बेसमेंट मेम्ब्रेन है जिसके ऊपर सारे सेल्स लगे हुए हैं. ठीक है, सो दे आर लाइक दिस वेरी वेरी प्रॉपर टिश्यू के स्ट्रक्चर के साथ वो लोग आइडेंटिफाई करते हैं, मतलब जो अपने दिमाग में जो एक इमेज रहता है कि टिश्यू शुड बी लाइक अ लेयर, उसके साथ ये लोग आइडेंटिफाई करते हैं कि उनके पास एक नॉन सेलुलर बेसमेंट मेम्ब्रेन रहता है. अगेन द वर्ड नॉन सेलुलर इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हियर, अर्थात बच्चों कि ये लेयर सेल से नहीं बनता है, ये लेयर्स कुछ कुछ प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट्स और पॉलीसेक्राइड्स वगैरह के डिपोजिशन से बनता है बच्चों. किससे बनता है, इन सबके डिपोजिशन से बनता है. ठीक है, याद तक समझ में आ रहा है ना बच्चों, बहुत ज्यादा फास्ट तो नहीं जा रहा हूं मैं, समझ में आ रहा है सब लोगों को. ठीक है, सेकेंड दे आर नॉन वैस्क्यूलर.
दे आर नॉन वैस्कुलर. बच्चों ये लोग के पास खुद के ब्लड वेसल्स नहीं रहते हैं. ये तुम लोग को बुरा लगा होगा बहुत, ठीक है. बेचारे सर, इतने बेचारों को अपन लोगों ने ब्लड वेसल भी नहीं दिए, ठीक है. बच्चों एपिथेलियल टिश्यू को डायरेक्टली ब्लड वेसल नहीं मिलता है उनके लोकेशन के कारण, बिकॉज ऑफ देयर लोकेशन. वो लोग ऐसे जगह पे रहते हैं विच इज नॉट एक्चुअली आइडियल फॉर एक्सचेंज, विच इज नॉट एक्चुअली आइडियल फॉर एक्सचेंज, क्योंकि बच्चों इनके पास बेसमेंट मेम्ब्रेन है, बेसमेंट मेम्ब्रेन के ऊपर सेल है, ठीक है. तो बच्चों यहाँ पे इनके पास कोई मैट्रिक्स समान स्ट्रक्चर नहीं है जहां पे बच्चों मैं डिफ्यूज करके न्यूट्रिएंट्स को डाल दूं. अगर बच्चों तुम लोगों को न्यूट्रिएंट्स देना है तो तुम लोगों को क्या करना पड़ेगा, एपिथेलियल के सारे सेल्स को जा जाके देना पड़ेगा. फॉर एग्जाम्पल बच्चों जैसे कि तुम्हारे पास, क्या एग्जाम्पल दूं मैं तुम लोग को, कनेक्टिव टिश्यू का देता हूँ, एडिपोस. ये बच्चों एडिपोस टिश्यू, ये बच्चों उसके सेल्स, अलग अलग सेल, ठीक है. ये होगा बच्चों तुम्हारे ब्लड वेसल्स, कैपिलरी भेज दिया मैंने ये सेल ये टिश्यू के अंदर से. बच्चों कैपिलरी अपना मजे से जा रहा है, ये अपने सारे न्यूट्रिएंट्स को ये आजू बाजू के मैट्रिक्स में, एग्जैक्टली सेल को नहीं दे रहा है बच्चों, बस आजू बाजू के मैट्रिक्स में डिजोल्व कर दे रहा है. और बच्चों यहां से वो मैट्रिक्स से सेल उसको उठा लेगा. लेकिन बच्चों एपिथेलियल को कहाँ पे फेंकू मैं, एपिथेलियल को कैसे दे अपन लोग, एपिथेलियल को तो ऐसा एक लेयर है ना, इट इज लाइक अ लेयर. लेयर को बच्चों अलग से न्यूट्रिशन एक एक सेल को बच्चों पहुंचाना कितना मुश्किल रहेगा. फिर कैपिलरी को एकदम बच्चे से प्रॉपरली ऐसे चिपक के दौड़ना पड़ेगा ऊपर से या नीचे से, दैट इज नॉट पॉसिबल, दैट इज नॉट पॉसिबल. सोच के देखो बच्चों कितना कितना मुश्किल होता अगर ऐसा होता तो, दैट वुड बी सो डिफिकल्ट, क्योंकि बच्चों तुम्हारे बॉडी के स्किन के बाहर के सरफेस के ऊपर ब्लड वेसल तुम्हें लगते. फिर तो हो गया बच्चों ऐसे थोड़ा सा भी टच के एक ब्लड वेसल फूट गया, ठीक है, खून ही खून, ठीक है. अपन लोग तो दिन भर बच्चों अपन लोग खून ही बहाते रहते बराबर, अपने को इंजरी होते रहता बराबर, कितना कितना डेंजरस हो जाता बच्चों अपने लिए बराबर. तो ऐसा नहीं हो सकता. तो बच्चों क्या करते हैं कि ये लोग एक्चुअली उनके नीचे, यूजुअली एपिथेलियल के नीचे हमेशा कनेक्टिव टिश्यू रहता है, वो कनेक्टिव टिश्यू उनको न्यूट्रिशन देता है बच्चों, ठीक है. दे ऑप्टेन देयर न्यूट्रिशन फ्रॉम दी अंडरलाइंग कनेक्टिव टिश्यू. तो ये बच्चों यहाँ पे आ जाते हैं अपन लोग तीसरे पॉइंट में, दे आर यूजुअली प्रेजेंट अबव अ लेयर ऑफ कनेक्टिव टिश्यू, ठीक है, कनेक्टिव टिश्यू, ठीक है. दे आर प्रेजेंट यूजुअली इन अ लेयर ऑफ कनेक्टिव टिश्यू, ठीक है. सो बच्चों ये सारे जो फीचर्स है, अगर तुम लोग को ये फीचर्स सेटिस्फाई होते हैं तो यूजुअली तभी अपन लोग इसको क्या बुला सकते हैं, एपिथेलियल बुला सकते हैं. क्या बुला सकते हैं बच्चों, अपन लोग यूजुअली इसको एपिथेलियल बुला सकते हैं. अब आ जाते हैं बच्चों वापस सिंपल एपिथेलियम के क्लासिफिकेशन में. सिंपल एपिथेलियम के क्लासिफिकेशन में सबसे पहले आता है बच्चों स्क्वाइमस. स्क्वाइमस के पास ऐसा एक बेसमेंट मेम्ब्रेन है बच्चों, ये बेसमेंट मेम्ब्रेन के ऊपर काफी पतले पतले, ठीक है, एक काम करते हैं सेल को अलग कलर का बनाते हैं सो दैट इट इज इजियर फॉर अस टू आइडेंटिफाई. वेरी वेरी थिन सेल्स प्रेजेंट है बच्चों यहाँ पे, वेरी वेरी थिन सेल्स प्रेजेंट है. तो बच्चों ये इतना थिन सेल रहता है बच्चों कि इसका इसका न्यूक्लियस भी ऐसा चपटा सा रहता है बच्चों, ठीक है. दे आर वेरी वेरी चपटे टाइप ऑफ सेल. अगर बच्चों मैं इसका थोड़ा सा ऐसा थोड़ा ज्यादा कलाकारी दिखाना चाहता हूँ बच्चों, ठीक है, इफ आई वॉन्ट टू शो सम मोर कलाकारी, अगर अपन लोग इसको एक 3D व्यू समान बनाया बच्चों, 3D व्यू, वाओ, ठीक है, क्या बात है, व्हाट अ डायग्राम, ठीक है. सोचा अपन लोगों ने ऐसा अगर 3D व्यू, नहीं नहीं बनने का बच्चों, बनने का, मैं खुद ही तारीफ कर ले रहा हूँ ऐसे ही, ठीक है. ये हो गया बच्चों 3D व्यू, ठीक है. तो बच्चे से एकदम पतले, और भी चलो और पतला बना देते इसको, ठीक है,
ठीक है, एकदम ही पतले है बच्चों, एकदम ही पतले है, एकदम चपटे चपटे न्यूक्लियस भी रहता है बच्चों इनके पास। चैट बॉक्स में क्या भेजा है? अरे बेटा सर ये से लिविंग होते हैं क्या? हाँ रे बेटा, अपने पास प्लांट समान नहीं है कि ट्रेकेड्स वगैरह जो टिश्यूज है, स्पेशलाइज्ड डेड टिश्यूज अपने पास नहीं है। यूजुअली बच्चों अपने लिविंग टिश्यू सिर्फ और सिर्फ सरफेस के ऊपर थोड़ा बहुत डेड टिश्यू का डिपोजिशन होता है, थोड़ा बहुत। अपने पास ऐसा अलग से कोई स्पेशलाइज्ड डेड टिश्यूज नहीं है वैसे देखा जाए तो, ठीक है। अपने एपिथेलियल के टिश्यू थोड़ा बहुत बच्चों सरफेस वगैरह पे मर जाते हैं, वी डू नॉट हैव एनी स्पेशलाइज्ड डेड टिश्यूज, अपने सारे टिश्यूज लिविंग है बच्चों, ठीक है। मोस्ट ऑफ द टिश्यूज जो है अपने पास वो कैसे होते हैं बच्चों? लिविंग होते हैं। कैसे होते हैं? लिविंग होते हैं। यहाँ पे बेसमेंट मेम्ब्रेन बना देते हैं बच्चों, ये हो जाएगा बच्चों बेसमेंट मेम्ब्रेन, ठीक है बच्चों। हल्दीराम में जैसे वो बर्फी सजाई नहीं रहती है बच्चों, वैसे दिख रहा है एकदम, ठीक है। तुम लोग सोच रहे होंगे ले दे के आ जाते हैं खाने की बात को लेके करके, ठीक है। तो ये ऐसा वैसे ही दिख रहा है बच्चे से, वो बर्फी समान एकदम ऐसा पतले पतले ऐसे बारीक बर्फी, ठीक है। ऐसा जिसको बच्चे जब तक दो ना खाए तब तक अपना पेट मतलब मन नहीं भरता है, वैसा वाला बर्फी बच्चे, ठीक है, एकदम पतले पतले बर्फी, ठीक है। तो बच्चे ये कैसे नजर आता है पता है क्या? कि जब पहली बार इसको देखा गया था तो काफी सारे साइंटिस्ट को दी दी अपियरेंस लुक्ड लाइक अ पेवमेंट, जैसे अपना फुटपाथ नहीं होता है क्या बच्चों, जिसमें अपन लोग अलग अलग वो पैटर्न वाले ब्रिक्स को अपन लोग अरेंज करते हैं जो परफेक्टली एक दूसरे के साथ फिट होते हैं बराबर, उसके समान दिखने लगा बच्चों। इसीलिए अपन लोग इसको पेवमेंट एपिथेलियम भी बुलाते हैं। किसी ने चैट बॉक्स से कृतिका नहीं भेजा था, पेवमेंट बराबर करेक्ट। सो इट लुक्स लाइक द पेवमेंट एपिथेलियम इसीलिए बोलते हैं बिकॉज इट दे अपियर लाइक अ पेवमेंट। तो ये बच्चों स्क्वायमस एपिथेलियम, स्क्वायमस एपिथेलियम बच्चे यूजुअली। और एक चीज जो एनसीईआरटी में नहीं है, इनका जो बच्चों मेम्ब्रेन्स रहता है ना, जब ये एक दूसरे के साथ फिट होता है तो बच्चों वो थोड़ा सा ऐसा इररेगुलर सा रहता है, लेकिन बच्चों ये इररेगुलरिटी एक दूसरे के साथ ऐसा फिट होता है बच्चों, ठीक है। ऐसी चीजों को अपन लोग टेसिलिएशंस बुलाते हैं, टेसिलिएशंस बुलाते हैं बच्चों। क्या बुलाते हैं बच्चों अपन लोग इनको? टेसिलिएशंस बुलाते हैं, ठीक है। तो ये हो गया बच्चों इनका बेसमेंट मेम्ब्रेन हो गया है, ये इनका नीचे, दिस इज दी बेसमेंट मेम्ब्रेन्स हो गया बच्चों ये, ठीक है। और क्या तारीफ करेंगे बच्चों? कि दे आर मेड अप ऑफ फ्लैट सेल्स रेस्टिंग ऑन टॉप ऑफ अ बेसमेंट मेम्ब्रेन, ठीक है। एकदम चपटे चपटे फ्लैट फ्लैट सेल से बने हैं जो किसके ऊपर रेस्ट कर रहे हैं बच्चों? एक बेसमेंट मेम्ब्रेन के ऊपर रेस्ट कर रहे हैं। दे आर रेस्टिंग ऑन टॉप ऑफ अ बेसमेंट मेम्ब्रेन, दे आर रेस्टिंग ऑन टॉप ऑफ अ बेसमेंट मेम्ब्रेन बच्चों। इनका जो थिकनेस रहता है उसका सबसे बड़ा फायदा ये है कि दे कैन एनेबल इजी ट्रांसपोर्ट अक्रॉस देम, ठीक है। सो दे अलाउ Easy exchange of substances across them and thus are mostly present in surfaces where एक्सचेंज ऑफ मटीरियल टेक्स प्लेस, ठीक है। जहां पे काफी ज्यादा एक्सचेंज वगैरह का बच्चों अपने को काम रहता है वहां पे ये लोग प्रेजेंट रहते हैं बच्चों। जहां पे भी अपने को एक्टिवली कुछ भी एक्सचेंज करना है तो वहां पे बच्चों मेजरली प्रेजेंट रहते हैं। फॉर एग्जाम्पल क्या हो जाएगा भाई? अच्छा एग्जाम्पल क्या हो जाएगा? एल्वियोलाई हो जाएगा बच्चों। एल्वियोलाई पता है ना, छोटे छोटे टाइनी टाइनी सैक लाइक स्ट्रक्चर जो अपने लंग्स में प्रेजेंट रहते हैं, जो कि बच्चों सरफेस एरिया ऑफ गैसेस एक्सचेंज को बढ़ा देते हैं, ठीक है। दे इंक्रीज द सरफेस एरिया ऑफ गैसेस एक्सचेंज। वॉल्स ऑफ लंग्स, वॉल्स ऑफ इसमें प्रेजेंट रहते हैं बच्चों,
वॉल्स ऑफ ब्लड, कैपिलरीज एंड वेसल्स. ठीक है, इनर वॉल ऑफ ब्लड वेसल्स और ब्लड कैपिलरीज तो बच्चों सिर्फ और सिर्फ स्क्वामस एपिथेलियम से ही बना होता है. ठीक है, और ये लोग बच्चों यूजुअली एक्सचेंज वाला मेम्ब्रेन बनाते हैं, एक्सचेंज वाला मेम्ब्रेन बनाते हैं जहां पे बच्चों एक्टिव एक्सचेंज ऑफ सब्सटेंसेस होता है. बच्चों और क्या ऐड करना चाहता था बच्चों, दे आर ऑल्सो कॉल्ड एज, दे आर ऑल्सो कॉल्ड एज पेवमेंट एपिथेलियम. क्या बुलाते बच्चों अपन लोग इसको, पेवमेंट एपिथेलियम बुलाते. अगला जो है बच्चों, दैट इज कॉल्ड एज द क्यूबॉइडल एपिथेलियम. ठीक है बच्चों, तुम लोग गैस ही नहीं कर पाओगे कि क्यूबॉइडल एपिथेलियम का शेप क्या रहेगा. करके कर सकते क्या बच्चों? ठीक है, क्यूबॉइडल नहीं कर सकते. करेक्ट, मुझे पता है बच्चों, मैं बताता हूँ, क्यूब रहता है बच्चों. ठीक है, पता है? ठीक है बच्चों, ऑब्वियसली बच्चों नाम ही क्या रखा है उन्होंने, क्यूबॉइडल रखा है, तो क्या रहेंगे बच्चों ये लोग, क्यूब रहेंगे. ठीक है, सो बच्चों ये लोग क्यूब शेप के टिश्यूज रहते हैं. अगेन लेट मी जस्ट ड्रॉ बेसमेंट मेम्ब्रेन. ठीक है, एक बेसमेंट मेम्ब्रेन बना दिया बच्चों अपन लोगों ने, फिर यहाँ पे क्यूब लाइक सेल्स को अरेंज कर दिया बच्चों ऐसा. ठीक है, ओके. और यहां पे बच्चों इनका ऐसा सरफेस बना दिया अपन लोगों ने, ये बच्चों ऐसा क्यूब लाइक सेल्स है बच्चों. ठीक है, ठीक है, ये है बच्चों क्यूबॉइडल अपना एपिथेलियल टिश्यू. ठीक है, दिस इज द क्यूबॉइडल एपिथेलियम टिश्यू. ओके, सो क्यूबॉइडल एपिथेलियम है बच्चों, ये क्या है, ये क्यूबॉइडल एपिथेलियम है. यहाँ पे बच्चों काफी सारे क्यूब लाइक सेल्स है अपने पास. ठीक है, विच आर इन शेप ऑफ अ क्यूब. ठीक है, सो क्यूबॉइडल एपिथेलियम बच्चों सिंगल लेयर ऑफ क्यूब लाइक सेल्स से बना रहता है. ठीक है, सो दे आर मेड अप ऑफ अ, दे आर मेड अप ऑफ अ सिंगल लेयर ऑफ क्यूब लाइक सेल्स. अब बच्चों एक क्लियर एडवांटेज तुम लोग को क्या नजर आ रहा है क्यूबॉइडल एपिथेलियम का इसके ऊपर, स्क्वायमस के ऊपर, कि इनके शेप के कारण क्या होगा बच्चों, वॉल्यूम बढ़ेगा, वॉल्यूम ऑफ द सेल इंक्रीजेस, क्योंकि बच्चों साइड इंक्रीज हो रहा है बच्चों, लेंथ, अगर अपन लोग साइड का लेंथ को एल ले ले तो बच्चों एल इंक्रीज हो रहा है, हाइट और ये इंक्रीज हो रहा है बच्चों बराबर, तो क्या इंक्रीज होगा बच्चों, वॉल्यूम इंक्रीज होगा. वॉल्यूम इंक्रीज होगा तो बच्चों ये सेल्स ज्यादा मेटाबॉलिकली एक्टिव रह पाएंगे बच्चों. ठीक है, अर्थात बच्चों ये लोग ज्यादा चीजें सिक्रीट कर पाएंगे, ज्यादा चीजें अब्सॉर्ब कर पाएंगे, इसलिए बच्चों ये लोग वहां पे रहते हैं जहां पे काफी ज्यादा अब्सॉर्प्शन और सिक्रीशन का फंक्शन रहता है. ठीक है, सो दे आर यूजुअली प्रेजेंट एट सरफेसेस वेयर absorption and secretion of substances takes place. ठीक है, जहां पे active absorption and secretion of substances जो होता है वहां पे ये लोग present रहते हैं बच्चों. ठीक है, they are present on such surfaces जहां पे active absorption and secretion of substances takes place.
ठीक है। नेक्स्ट क्या है बच्चों अपना, नेक्स्ट इसके बारे में और क्या बोलना चाहेंगे, कहां पे प्रेजेंट रहेगा बच्चों? ये लोग प्रेजेंट है बच्चों, दे आर प्रेजेंट इन, प्रेजेंट इन डक्ट्स। बच्चों ये जो एग्जांपल दे रहा हूं दैट इज स्ट्रिक्टली फ्रॉम एनसीईआरटी, कोई भी बाहर के एग्जांपल नहीं ले रहे अपन लोग। डक्ट्स ऑफ ग्लैंड्स, बच्चों कोई भी डक्ट्स ऑफ ग्लैंड के एग्जांपल भेजिए बच्चों, कोई भी ग्लैंड के डक्ट के नाम जो तुम लोग को पता हो बच्चों चैट बॉक्स में भेजिए, तो जरा भेजिए बच्चों, भेजिए एनी नेम ऑफ द डक्ट ऑफ द ग्लैंड्स भेजिए बच्चों। सलाइवरी ग्लैंड, हेपाटोपैनक्रियाटिक डक्ट, करेक्ट बेटा। हर्षदा, तन्वी, उत्कर्षा, पैनक्रियाटिक डक्ट करेक्ट, बाइल डक्ट करेक्ट, ठीक है। तो ऐसे सारे जो डक्ट्स रहते हैं वहां पे प्रेजेंट रहता है, क्योंकि वहां पे सिक्रीशन वाला काम ज्यादा रहता है बच्चों, ठीक है, सिक्रीशन वगैरह वाला काम ज्यादा रहता है, ठीक है। एंड और एक चीज याद रखना बच्चों, क्या बोला मैंने, प्रेजेंट इन द डक्ट्स ऑफ ग्लैंड्स एंड बच्चों ये कहाँ पे प्रेजेंट रहता है, अपने ट्यूबुलर पार्ट ऑफ नेफ्रॉन में भी प्रेजेंट रहता है, करेक्ट। पीसीटी, बोमेंस कैप्सूल, बोमेंस में नहीं रहता है, बोमेंस में स्क्वायमस रहता है बच्चों, विसरल और पराइटल लेयर में, पीसीटी वगैरह में रहता है, पीसीटी, डीसीटी, थिक असेंडिंग पार्ट, थिक डिसेंडिंग पार्ट, ऐसे जगहों पे भी प्रेजेंट रहता है, एंड ट्यूबुलर पार्ट्स ऑफ नेफ्रॉन, ठीक है। अब बच्चों अगर अपन लोग नेफ्रॉन की बात करी थी तो एक स्पेशल फीचर यहाँ पे ऐड कर देते हैं कि दी पीसीटी कंटेन्स, पीसीटी कंटेन्स क्यूबॉइडल एपिथेलियम विच हैज माइक्रोविलाय ऑन देयर फ्री सरफेस, माइक्रोविलाय ऑन देयर फ्री सरफेस, ठीक है। उनका जो फ्री सरफेस रहता है बच्चों उसमें क्या प्रेजेंट रहते हैं, माइक्रोविलाय रहते हैं, जो कि बच्चों सरफेस एरिया ऑफ अब्सॉर्प्शन बढ़ाते हैं, क्या बढ़ाते हैं बच्चों ये लोग, सरफेस एरिया ऑफ अब्सॉर्प्शन बढ़ाते हैं, ठीक है, सरफेस एरिया ऑफ अब्सॉर्प्शन बढ़ाते हैं, ठीक है। तो ये हो गया बच्चों क्यूबॉइडल एपिथेलियम के बारे में, दिस इज अबाउट द क्यूबॉइडल एपिथेलियम, ओके। थर्ड जो है बच्चों दैट इज कॉल्ड एज द कॉलमनार एपिथेलियम, ठीक है, क्या बुलाएंगे बच्चों अपन लोग इसको, कॉलमनार एपिथेलियम बुलाएंगे। ऑब्वियसली बच्चों एज द नेम सजेस्ट, बच्चों वैसे भी सारे जो नामकरण अपन लोग करते हुए चल रहे हैं ये सारे सेल्स का, दैट इज ये तो बच्चों तुम लोग पैटर्न तो समझ ही गए होंगे, दैट इज बेस्ड ऑन देयर शेप, स्क्वायमस बच्चों एकदम पतला सा था, क्यूबॉइडल क्यूब समान था, कॉलमनार कॉलम लाइक रहेंगे बच्चों, लंबे लंबे सेल्स रहते हैं ये लोग रिलेटिवली, रिलेटिवली थोड़े टॉल सेल्स रहते हैं बच्चों यहाँ पे, ठीक है। एज ऑलवेज वी विल ड्रॉ अ बेसमेंट मेम्ब्रेन, क्योंकि बच्चों ये तो हर एक एपिथेलियम की खासियत है, और देखिए बच्चों कैसे टॉल सेल्स नजर आ रहे हैं यहाँ पे तुम लोगों को, ठीक है, देर आर दीज टॉल सेल्स विच आर क्लियरली विजिबल, कि ये लोग अलग से एलोंगेटेड है बच्चों, ठीक है, ठीक है। ये होगा बच्चों तुम्हारे कॉलम लाइक सेल्स, ठीक है, लंबे लंबे कॉलम लाइक सेल्स होगा बच्चों ये तुम्हारे, क्या होगा बच्चों ये तुम्हारे लंबे लंबे कॉलम लाइक सेल्स होगा, ठीक है। सो दीज आर योर टॉल कॉलम लाइक सेल्स जो कि यहाँ पे प्रेजेंट है बच्चों, ठीक है, एंड दीज आर यूजुअली बच्चों ये लोग भी क्यूबॉइडल एपिथेलियम समान ही है, बिकॉज ऑफ देयर शेप, बिकॉज ऑफ देयर स्ट्रक्चर, इनमें वॉल्यूम ज्यादा रहता है, बस फर्क यह है बच्चों की क्यूबॉइडल एपिथेलियम में न्यूक्लियस बीचों बीच रहता है, यहाँ पे बच्चों न्यूक्लियस थोड़ा नीचे आ जाता है, एट दी बेस की तरफ रहता है, ठीक है, कैसे रहता है बच्चों, न्यूक्लियस थोड़ा बेस की तरफ रहता है,
ठीक है. सो क्या बोलेंगे बच्चों अपन लोग कि क्या बुलाएंगे बच्चों अपन लोग कि दे आर मेड अप ऑफ अ सिंगल लेयर ऑफ टॉल कॉलम लाइक सेल्स. एकदम लंबे लंबे कॉलम लाइक सेल्स से बने होते हैं बच्चों ये लोग, ठीक है. दे आर मेड अप ऑफ टॉल कॉलम लाइक सेल्स बच्चों ये लोग यूजुअली अगेन जस्ट लाइक तुम्हारा ये एपिथेलियम क्यूबर्डल एपिथेलियम, वो लोग भी ऐसे जगह पे रहते हैं जहां पे एक्टिवली अब्सॉर्प्शन या सिक्रीशन होता है. दे आर यूजुअली प्रेजेंट एट सरफेसेस वेयर अब्सॉर्प्शन और सिक्रीशन of substances takes place, ठीक है, जहां पे absorption और secretion of substances, बच्चों ज्यादातर जहां पे absorption और secretion ये सारे जो rapidly जहां पे होते हैं वहां पे ये सारे structures तुम लोग को मिलेंगे बच्चों, ठीक है. और last but नहीं last नहीं, और क्या बोलना चाहता था बच्चों इसके बारे में, nucleus base की तरफ है. nuclei is usually present near the base, ठीक है, near the base की तरह present है बच्चों, ठीक है, base की तरह present है क्योंकि मतलब sense ज़्यादा बनाता है बच्चों क्योंकि काफी metabolically active area है, tall सा cell है तो kind of make sense कि nucleus कहाँ पे रहे, base की तरफ रहे बच्चों, ठीक है, base की तरफ रहे, ठीक है. और ये लोग बच्चों lining of स्टमक और इंटेस्टाइन में मिलते हैं, ठीक है. सो यूजुअली फाउंड इन द लाइनिंग ऑफ स्टमक आणि इंटेस्टाइन, ठीक है बच्चों. फ्री सरफेस के पास माइक्रोविलाय रह सकता है, ठीक है, फ्री सरफेस के पास माइक्रोविलाय रह सकता है. यहां पे मैं लिख देता हूं कि द कॉलमनार एपिथेलियम इन द स्मॉल इंटेस्टाइन कंटेन्स माइक्रोविलाय, ठीक है. क्या है बच्चों, स्मॉल इंटेस्टाइन कंटेन्स माइक्रोविलाय, ओके, माइक्रोविलाय रहता है बच्चों ताकि सरफेस एरिया ऑफ अब्सॉर्प्शन क्या हो जाए, बढ़ जाए बच्चों, ठीक है, सरफेस एरिया ऑफ अब्सॉर्प्शन क्या हो जाए बच्चों, बढ़ जाए, ठीक है. उसके बाद बच्चों और एक चीज जो ऐड करना चाहता हूं कि कोई कोई क्यूबॉइडल और कॉलमनार एपिथेलियम के एंड में सीलिया रहता है बच्चों. सीलिया और माइक्रोविला के बीच में फर्क पता है बच्चों सब लोगों को, चैट बॉक्स में लिखिए बच्चों व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन सीलिया एंड माइक्रोविला, लिखिए बच्चों, लिखिए चैट बॉक्स में, लिखिए व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन सीलिया एंड माइक्रोविला. सीलिया और माइक्रोविला के बीच में डिफरेंस क्या है बच्चों, बताइए तो जरा. तब तक और एक बार पानी पी लेता हूं मैं, भेजो बच्चों आराम से. करेक्ट बेटा उत्कर्ष, कि माइक्रोविलाय जो रहता है वो क्या करता है बच्चों, इंक्रीज सरफेस एरिया, जबकि सीलिया लोकोमोशन और मूवमेंट के काम आता है क्योंकि बच्चों सीलिया इकलौता ऐसा स्ट्रक्चर है जो मूव हो सकता है, ठीक है. सीलिया जो है बच्चों वो मूव हो सकता है बच्चों. तुम सब विलाय लिख रहे हो बच्चों, आई होप और मैं उम्मीद करना चाहता हूँ कि तुम लोगों ने गलती से विलाय लिखा है और माइक्रो लिखना भूल गए हो. माइक्रोविलाय और विलाय में फर्क है बच्चों. माइक्रोविलाय एक यूनिसेलुलर स्ट्रक्चर है जबकि विलाय मल्टी सेलर, बहुत सारे सेल मिलके बच्चों विलाय बनाते हैं बच्चों. वो जो सेल्स मिलके विलाय बनाते हैं ना उनके ऊपर माइक्रोविलाय रहता है, याद रखना. माइक्रोविलाय अलग है, विलाय अलग है. विलाय का मतलब बच्चों इंटेस्टाइन में जो फिंगर लाइक फोल्ड्स बनते हैं सरफेस पे उसको विलाय बुलाते हैं. उन सेल्स के ऊपर जो छोटे छोटे फिंगर लाइक प्रोजेक्शन रहते हैं साइटोप्लाज्म का उसको माइक्रोविलाय बुलाते हैं, ठीक है. उत्कर्ष कृतिका ध्यान में रखना बेटा, विलाय और माइक्रोविलाय में फर्क रहता है, ठीक है, ध्यान में रखिएगा ये, ठीक है. तो बच्चों सीलिएटेड एपिथेलियम करके रहते हैं बच्चों, ठीक है. सो इफ
कॉलमनार और क्यूबॉइडल एपिथेलियम, एपिथेलियम कंटेन्स, क्या कंटेन करेगा बच्चों? कंटेन्स सीलिया एट सीलिया ऑन देयर फ्री सरफेसेस दे आर कॉल्ड एज सीलिएटेड एपिथेलियम. क्या बुलाएंगे बच्चों अपन लोग इसको? सीलिएटेड एपिथेलियम बुलाएंगे. ठीक है, दे आर कॉल्ड एज दी सीलिएटेड एपिथेलियम. ठीक है, दे आर कॉल्ड एज दी सीलिएटेड एपिथेलियम. इसका एग्जाम्पल रहेगा बच्चों ब्रोंकियोल्स और फैलोपियन ट्यूब में प्रेजेंट रहता है. ठीक है, दी लाइनिंग ऑफ ब्रोंकियोल्स फैलोपियन ट्यूब, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में फैलोपियन ट्यूब्स कंटेन, क्या कंटेन करेंगे बच्चों? क्या कंटेन करेंगे? सीलिया, सीलिएटेड एपिथेलियम. क्या रहता है बच्चों इनके पास? सीलिएटेड एपिथेलियम रहता है. ठीक है, तो ये हो गए बच्चों अपने डिफरेंट टाइप्स ऑफ सिंपल एपिथेलियम टिश्यू. ठीक है, सिंपल एपिथेलियम टिश्यू. ओके, सो बच्चों ये पॉइंट पे अपन लोग, मुझे लगता है कि आज अपने को रुक जाना चाहिए. ठीक है, एक लाइन भी ड्रॉ कर दिया बच्चों मैंने. ठीक है बच्चों, कल के क्लास में वी विल डील विथ कंपाउंड एपिथेलियल टिश्यू, ग्लैंडुलर एपिथेलियल टिश्यू और बच्चों एटलीस्ट टू टाइप्स ऑफ कनेक्टिव टिश्यू. ठीक है, एटलीस्ट टू टाइप्स ऑफ कनेक्टिव टिश्यूज के साथ भी अपन लोग क्या करने वाले हैं? डील करने वाले हैं बच्चों. ओके.